यह है देवरिय ताल, समुद्र तल से 7,999 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यह झील उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय बुग्याल एवं पेड़ पौधों के प्रतिवेशित इस झील तक पहुंचने का रास्ता, इसका प्रवेश द्वार सारी गांव से शुरू होता है, जो कि ऊखी मठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर चोपता मार्ग पर स्थित है। सारी गांव से देवरिय ताल की दूरी 2.5 किलोमीटर की है। देवरिय ताल पहुंचने का दूसरा रास्ता ऊखी मठ से उदयपुर बैजपुर गांव होकर जाता है। इस रास्ते में चढ़ाई और बहुत भयानक जंगली जानवर रहते हुए इस ट्रैक से होकर, और यह ट्रैक 7 किलोमीटर की दूरी पर देवरिय ताल स्थित है। सर्दियों में यह रास्ता बर्फ से ढका हुआ रहता है, इस कारण चढ़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और उस टाइम पर्यटकों को यह चलचित्र बहुत मनमोहक रखती है। किंवदंतियों के अनुसार जब पांडव अपने तब उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई, जिनकी एक अरणी हिरण उठा ले गया, जिस कारण से वह अपने पैतृक कार्य नहीं कर पा रहे थे। हिरण को ढूंढते ढूंढते पांडवों को प्यास लग गई। तदुपरांत नकुल जी को जल लेने भेजा। तब जाके नकुल जी को एक झील दिखी, जो कि अभी देवरिय ताल कही जाती है। झील में एक पक्षी ने नकुल को यह चेतावनी दी, अगर तुम मेरे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दोगे तो आप यह जल विष में परिवर्तित हो जाएगा। और नकुल उस सारस की बात न मानकर वह जल पी बैठे और वह बेहोश हो गए। तदुपरांत सहदेव अर्जुन भी बेहोश हो गए और वह दोनों भी यह गलती कर बैठे। अंततः उसके बाद युधिष्ठिर महाराज झील के किनारे पहुँचे और सारस पक्षी का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए, और तत्पश्चात सारस ने अपना सही रूप युधिष्ठिर को दिखाया, जो कि यक्ष महाराज जी का था। यक्ष महाराज के 125 प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने संतोषजनक दिया, और उसके बाद यक्ष महाराज जी ने एक शर्त रखी, आपका इन तीनों में से एक ही भाई जीवित हो पाएगा। तो इसमें युधिष्ठिर महाराज ने नकुल जी को चुना, इसलिए दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहे, जो कि कुंती और माती, दोनों माता यानी कुंती और मातरी। युधिष्ठिर की इस पराय से यक्ष अत्यंत खुश हुए और यक्ष महाराज ने तीनों भाइयों को जीवन दान दिया, और यह भी वरदान दिया, हे युधिष्ठिर, अज्ञातवास के दौरान जहाँ भी रहो आपको कोई पहचान ना पाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवरिय ताल में पर्वत श्रृंखला विशेषता चौखंबा के प्रतिबिंब देखने को मिलता है। यहाँ कैंपिंग, वर्ल्ड वॉचिंग एंड ट्रैकिंग के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है यह देवरिय ताल। अगर आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिएगा। इस